हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण सीताराम सबको और गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज काम करने के लिए जा रहे हैं। देखो ये साड़ी का हमने वो बोरिया बना दिया है, तो भूसा भरने के लिए जा रहे हैं। तो आज हमारा ये काम है भूसा भरने का। तो जैमिन सुबह सुबह हमें स्कूल चला गया है, इसकी स्कूल मॉर्निंग हो गई है। तो हम दोनों बच्चे हैं अब घर पर, तो हमारा काम हम दोनों का शुरू हो गया है। तो अब हम जाते हैं खेत में, क्योंकि बोतल पानी भी भर लिया है मैंने, और भूसा भरते हैं तो वो उड़ के मुँह में और नाक में चला जाता है, इसलिए मुँह बांधना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ता है। तो हम दोनों जा रहे हैं बांध के। ये दिन का पेड़ ले लिया जो मोर लाए थे उसको हमने किया था, तो इसको भैंसों को देने के लिए जा रहे हैं। तो देखो ये हरा हरा है, इसलिए इसको दे रहे हैं, ये खा जाएंगे। इनको खाना दे दिया है तो ये आराम से खा रहे हैं। और अब हम जाते हैं खेत में, सुबह सुबह में खेत में कुछ काम कर लेंगे, फिर दोपहर में तो गर्मी शुरू हो जाती है इसलिए काम हो नहीं पाता है। तो हमारा सब पकड़ लिया है, तो अब हम आ गए हैं खेत में। देखो हमारी छोटे छोटे आम भी लग गए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से बड़े बड़े दिख रहे। छोटा सा आम का पेड़ है पर बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं। और यहाँ खेत में भूसा भरने के लिए जा रहे हैं, तो गेहूँ तो कब का निकाल दिया था, बारिश आता था जाता था इसलिए हम भर नहीं पाते। तो आज मौसम अच्छा है, तो देखो यहाँ पे हमारा भूसा रख दिया है, कब का ढक के रखा था तो थोड़ा बहुत नीचे खराब भी हो गया है शायद। और देखो ऐसे भरते ही इसे बोरी भर के फिर रख देंगे। ये साड़ियों का बनाया हुआ है बोरी हमने, तो इसको भर के फिर रख देंगे, तो अच्छे से जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हैं। ये थोड़ा बिगड़ गया है, पानी गिर गया होगा बारिश की वजह से, इसलिए काला काला हो गया है। तो इसको साइड में कर देंगे और फिर ये पूरा तो भरना है हमें, कितना भरते हैं देखते हैं। तो तीन चार ही साड़ियाँ बोरियाँ बना के लाए हैं, तो वो जितना हो सकता है उतना भर लेते हैं। एक बाजू कर दियो कि हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ये भूसा भरने का काम चल रहा है। ये देखो तीन बोरी हमने यहाँ पर भर दिया है, एक बोरी यहाँ पर भर दिया है, अभी ये आधा आधा है। इसको अभी टोकरी से भर भर के इसमें डालेंगे, इसको फुल करेंगे हम लोग। तो अभी सुबह सुबह का टाइमिंग है तो सोचा इसको भर लेते हैं हम लोग। तो ये उड़ता बहुत कम है, नहीं तो ये सर्दी जुकाम बहुत जल्दी कर लेता है। ये देखो मैं मास्क लेके भी आया हूँ साथ में बांधने के लिए मुंह पे, तो मास्क पहन के इसको भरते हैं, नहीं तो ये उड़ता है तो बहुत एकदम से जुकाम पकड़ लेता है। इसलिए अभी तो थोड़ा ही भरा है, अभी 25% ही भरा होगा मेरे ख्याल से। तो ये चार साड़ी क्या बोरी बनाई थी हमने, उसको लेके आए हम लोग और अभी इसको भर रहे हैं। और ये बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब भी हो गया है, ये काला पड़ गया है इस साइड से, क्योंकि पूरा पानी ये इस साइड से आता है तो ये ख़राब हो गया है इस साइड। तो हमने उस साइड से भरना शुरू किया है, यहाँ से हम लोग भर रहे हैं। और ये देखो काफ़ी
ख़राब भी हो गया है, ये काला पड़ गया है पूरा, ये ख़राब हो गया, इसको भर नहीं सकते। तो ये रेखा अभी घर गई थी ये टोकरी लेने के लिए, इसको लेके आ रही है ये भी, तो अभी इससे भर भर के डालना पड़ेगा। तो कुछ बोरी भी लेके आई है साथ में पुराने वाली। जितना इसको लेटा के भर सकते थे उतना हमने भर दिया है अभी, अभी इसको इससे भरना पड़ेगा। ये देखो ऐसे मुंह बांध दिया इसने भी, क्योंकि ये उड़ता है तो बहुत सर्दी जुकाम तुरंत पकड़ लेता है ये। चलो भरो, ये देखो ऐसे करके ये भर भर के इस बोरे में हम लोग डाल देंगे। तो ये हमने 3-4 बोरी भर दिया है अभी पूरा, आधा पौना घंटा लगा होगा हमें इसको भरने में। ये देखो ऐसे इसको भर भर के हमने आगे से गांठ मार दिया है ताकि घर ले जाने में ये खुल ना जाए। 1, 2 और ये तीसरा अभी खड़ा ही है, और बाकी ये बचे हुए हैं इसको भी भरेंगे अभी हम। और अभी थोड़ा सा पानी पीने के लिए बैठे हैं, और एक यहाँ पर हमने भर दिया है इसको, तो टोटल 4 हमने भर दिया है अभी, और बचा कुचा है इसको अभी भरेंगे, जितना हो सकता है भर देते हैं, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी तो फिर और ख़राब हो जाएगा ये। ये काफ़ी ख़राब हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, 2 बोरा जितना ख़राब हो गया है ये। ढका था लेकिन वो तिरपाल फटी हुई थी, इस वजह से अंदर पानी चला गया, कुछ इन क्यारी में से आ गया पानी, इसलिए काफ़ी ख़राब भी हो गया है। तो अभी तकरीबन हमने भर दिया है, जितने भी है ये पूरे हमने भर दिया है, और ये जो गीला हो गया था इसको बिखेर दिया है इस तरह से, ताकि ये सूख जाएगा तो फिर ये काम आ जाएगा, तो धूप में ये सूख जाएगा तो अच्छे से फिर दोबारा से हम लोग इसको भर लेंगे। तो इसको ऐसे करके पूरा ये बिखेर दिया है, जितना भी गीला हो गया था उसको, ये काला हो गया है, तो अभी धूप आएगा तो ये सूख के अच्छा हो जाएगा। तो इसमें से काफ़ी और एक आधा बोरा मिल जाएगा, बाकी तो नहीं मिलेगा, जो काला हो गया है वो तो ख़राब ही है अभी, लेकिन जो थोड़ा बहुत गीला था वो सूख जाएगा तो काम में आ जाएगा। तो बाकी तकरीबन हमने ये पूरे भर दिया है, तो 3, 2, 5 वहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये एक मेरे बगल में है, ऐसे करके 6-7 हो गए हैं, और इसमें से भी एक बोरा और भरेगा। तो अभी इतना करके फिर चलेंगे घर, शाम को इसको ले चलेंगे वापस घर। तो अभी वहाँ का काम हमने कंप्लीट कर दिया, आज चने का थ्रेसर आने वाला था तो इसको भी हमने खोल दिया है कि थोड़ा धूप लग जाएगा तो जो भेज वगैरह है वो उड़ जाएगा, इसको धूप लग जाएगा। तो अभी बात हुआ था ट्रैक्टर वाले से, तो बोला दोपहर के बाद आता हूँ, तो इसको हमने ऊपर ये तिरपाल बिछी हुई थी इसको हमने निकाल दिया है, तो देखते हैं अभी आज ट्रैक्टर आता है तो इसको भी चना भी हम निकाल लेंगे आज, जितना होता है ये देखो इतना चना हुआ है, तो देखते हैं अभी कितना होता है और ट्रैक्टर कब तक आता है।